नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छेना परवल आलू सब्जी। छेना परवल आलू सब्जी के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हम चाहे आलू, मैंने लिया एक आलू, इसको धोकर इस तरह काट कर रखा है। दो परवल के ऊपर छिलका निकाल कर इसको इस तरह काट कर रखा है। आधा लीटर दूध का छेना, एक टमाटर को प्यूरी बना कर रखा है, एक प्याज को छोटा पीस काट कर रखा है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 4 काजू, खसखस आधा चम्मच, मगज आधा चम्मच। ये मसाला एक जार में दे देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। मसाला हमारा ग्राइंडिंग हो चुका है। अब हम ये छेना का बॉल बनाएंगे। ये छेना को एक प्लेट में डाल देंगे और इसको इस तरह तोड़ देंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट छन्ना बना है। हथौली से इस तरह हम मसल लेंगे। इसमें आधा चम्मच मैदा डाल देंगे। करीब 5-6 मिनट इस तरह मसलेंगे जब तक तो ये छेना सॉफ्ट नहीं होगा। ये छेना अच्छे से मसल चुका है। मैंने इसको छोटा छोटा गोला बना लिया है। अब हम इसको इस तरह गोल कर देंगे। क्रैक आना नहीं चाहिए। इसी तरह हम सारा गोला बना लेंगे। हम छन्ना गोला फ्राई करेंगे। मैंने गैस का ऊपर कढ़ाई रख दिया है, गैस ऑन कर दिया, तेल गर्म हो चुका है। अब हम ये छन्ना गोला इसमें डाल देंगे। फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे। ज़्यादा फ्लेम दे देंगे तो छन्ना गोला हमारा ऊपर जल जाएगा, अंदर कच्चा रहेगा। छन्ना गोला फ्राई हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। अब हम ये आलू परवल फ्राई कर देंगे। फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे। आलू परवल फ्राई हो चुका है। अब हम ये परवल को एक बर्तन में गरम पानी मैंने रखा था उसमें डाल देंगे। इस तरह रखेंगे तो हम परवल सॉफ्ट मिलेगा। आलू को भी निकाल देंगे। सब्जी बनाएंगे। मैंने गैस के ऊपर 2 चम्मच तेल डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। कलर हो चुका है। अब हम इसमें फ्लेम स्लो से मीडियम रखेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको थोड़ी गर्म होने देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। अब हम ये मसाला ग्राइंडिंग करके रखे थे इसको डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी दे दो। पानी इसमें डाल दें। और इसको इस तरह चलाते रहेंगे पानी सूखने तक। ये मसाला भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर में भूनेंगे।
देखिए टमाटर भून चुका है। अब हम इसमें एक पोरुअर एक पानी में डाल देंगे और इसमें आलू डाल देंगे और इसमें और थोड़ा सा पानी देंगे। आप जितना जो से पसंद करते हैं उसी हिसाब से रखिए। और मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अब हम इसको ढक देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। ये देखिए पानी बॉईल हो चुका है। अब हम एक चम्मच कस्तूरी मेथी इस तरह हाथ में ब्रश करके डाल देंगे और इसमें ये छेना गुला डाल देंगे और इसको ढक देंगे। थोड़ी देर इसको बॉईल होने देंगे। इसमें नमक डाल देंगे, एक चम्मच से कम नमक डाल देंगे। आप टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। सब्जी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। आपको जितना जूस पसंद है उसी हिसाब से आप रखिए। अब हम कैसा ऑफ कर देंगे। ये देखिए छेना परवल आलू सब्जी हमारा तैयार हो चुका है। आप इसी तरह सब्जी घर पर बनाइए, रोटी या चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाए क्योंकि मेरे नया रेसिपी पहले आपको मिल जाएगा।